भारत चीन के बीच भूटान के डोकाला क्षेत्र को लेकर जहां विवाद चल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स देशों के नेताओं के अनौपचारिक बैठक के दौरान मिलेंगे। चीन के उप विदेश मंत्री ली बेडोंग के मुताबिक ये बैठक G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जर्मनी के हैम्बर्ग में होगी। इस बार ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता का मौका चीन को मिला है। इससे पहले मोदी जिनपिंग की मुलाकात पिछले महीने अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, लेकिन इस सीमा विवाद के बाद दोनों पहली बार मिलेंगे। दोनों नेता सिक्किम सीमा पर तनाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा जिनपिंग के भारत दौरे पर भी हो चुका है, जब सितंबर 2014 में वेस्टर्न सेक्टर की चुमान सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। इसके अलावा मोदी सितंबर महीने में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन भी जा रहे हैं। इसके अलावा चीनी विदेश मंत्रालय भारत और भूटान के बीच दरार डालने की कोशिश करते हुए कहता है कि भारतीय सैनिक डोकाला में बिना भूटान की जानकारी के घुसे। दरअसल चीन की ये दलील भी गलत है, क्योंकि 16 जून को रॉयल भूटान आर्मी ने डोकाला में चीन द्वारा सड़क बनाए जाने का चीनी सैनिकों का विरोध किया था और भारतीय सेना इसके 2 दिन बाद भूटान के समर्थन में खड़ी हुई थी। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय 1890 के सिक्किम तिब्बत संधि के आधार पर अपनी दलीलें दे रहा है, जबकि भारत ने भूटान के डोकाला में चीनी दावे को खारिज किया है। टीम इंडिलिंक्स।